जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 30। टॉपिक का नेम है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ फॉर्म मैं आपको बताता जाता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ फॉर्म किस तरह से होती हैं। देखें, आपके पास जब भी कोई इस तरह के फॉर्म में आ जाए, जैसे हमने लिखा, जैसे लिखा हुआ है एफ जेड इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, देन डी जेड इज़ इक्वल टू जो है डी जी बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी वाई। अगर वो एक्स और वाई की फॉर्म में हो तो हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो सॉल्व करना होता है। और अगर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि एक्स वाई जी के साथ उसने जैसा कि डब्ल्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अगर यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं तो हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल तीन आ जाते हैं। इसे बोलते हैं, उसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, इसमें थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम जो है, ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उसका उसने कहा है कि उसके सॉल्यूशन का आंसर नीचे दिए हुए हैं। तो आइए हम एक दो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना होता है। देखें, आपके पास एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ पर कि डी जी जो है जी इज़ इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखें, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास कि डी जी इज इक्वल टू, देखें इसका विद रिस्पेक्ट टू लूँगा तो वो डी जी बाई डी एक्स कहलाएगा। टू एक्स का मेरे पास आज एक्स के स्क्वायर का मेरे पास बन जाएगा टू एक्स, ऐसी है ना। अभी मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे पास जो है वो वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इसका अगेन एक्स का लेंगे तो वो हमारे पास वन है, वो मैं नहीं लिख रहा, सही है। एंड यहाँ फिर आप इसको ऐसा देख लें कि इसको आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है वो और आसान कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इधर बन जाएगा डी जी, और इसको जब आप लेंगे एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जो बनेगा आपके पास टू एक्स, सही है। और साथ में अगेन एक्स का डी एक्स बन जाता है। इसी तरह y का जब लेंगे तो वो बन जाएगा टू वाई, अगेन का अगेन इसका लेंगे तो वो टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से टू कामन ले लेंगे। जब इसमें से टू कामन ले लेंगे तो आपके पास x डी एक्स एंड y डी वाई, ठीक है। यही वो आपका आंसर है डी जी का जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर प्रोडक्ट का रूल लगना है, उससे जो नेक्स्ट है उस पर भी प्रोडक्ट का रूल लगना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के रूल किस तरह से लगते हैं, आइए मैं इसमें से भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपको। चलें, तो क्वेश्चन मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसने देखें यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस तरह से लगेगा यहाँ पर कि आपके पास जो टू एक्स माइनस वन है उसे एक दफ़ा लेंगे, अगेन जो वाई की पावर थ्री वाई है उसको हमने एक दफ़ा यहाँ पर लेना है, सही है। तो प्रोडक्ट रूल मैं वैसे लिख देता हूँ वरना ये क्वेश्चन जो है वो लंबे हो जाएंगे। प्रोडक्ट रूल इस तरह से होता है कि अगर आपके पास, लेट अस सपोज, मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स से किया जाता है, दूसरे को मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये आपके पास दो फंक्शन है, आपने इस पर डेरीवेटिव को अप्लाई कर दिया है, तो डेरीवेटिव में ये क्या होगा, डेरीवेटिव में कुछ इस तरह से होगा कि पहले फंक्शन को हमने वैसे छोड़ देना है, सेकेंड का हमने ले लेना है डेरीवेटिव। डेरीवेटिव के लिए ये मैंने प्राइम ऊपर लिख दिया, अगेन क्या होगा, दरमियान में प्लस की लामत आएगी, ठीक है, दरमियान में प्लस की लामत आएगी। अगेन फिर जिसका डेरिवेटिव लिया है उसे वैसे लिख देंगे जिससे पहले छोड़ा हुआ था, उसका जो हमने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीपल हो रहे हैं तो आपने पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस आ जाता है, फिर पहले कुछ जिसका डेरिवेटिव ले लिया है उसे छोड़ देना है, जिसका डेरिवेटिव पहले नहीं लिया उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस प्रोडक्ट रूल से जो है ये आपके आंसर जो हैं वो आ जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे स्टेप के बारे में पूछ सकता है कमेंट में बता के, ठीक है। तो ये है कि सिर्फ डिफरेंशियल को हल करने का तरीका। असल जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती हैं, देखें डेरिवेटिव मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से लिए जाते हैं। तो डेरिवेटिव लेने के बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को लिया, विद रिस्पेक्ट टू जो वाई वाले को लिया, दोनों के आंसर अगर आ जाते हैं बराबर,
ठीक है। तो अगर उनके आंसर बराबर आ जाते हैं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी एक जेड वाले को किया था, तो उसमें एक्स वाले को मैंने आंसर किया था, फिर मैंने वाई वाले को भी विद रिस्पेक्ट टू वाई हल किया था। अगर एक्स वाले का आंसर और वाई वाले का आंसर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे उसने जो है लिखा भी है कि अगर डी जी बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई डी वाई और डी वाई, ये हमारे पास अगर पी डी एक्स और क्यू डी एक्स हों, तो अगर इसमें इस तरह से हो जाएँ कि पी एंड क्यू जो हैं आर इक्वल हो जाएँ, यहाँ पे बता रहा है वो उस चीज़ के बारे में, ये देखें कि पी वाला ठीक है और क्यू वाला, इनके आंसर जो है वो इक्वल होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे उसने एग्जैक्ट करके बता दिया इसको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब बनेगी अगर ये इक्वल के फॉर्म में होंगे। तो मज़ीद आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। देखिए आपके पास सामने एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल में उसने हमें डाटा भी दिया हुआ है। तो पहले पोर्शन का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, वो मेरे पास है जी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास डी एक्स वाला है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वाई, सही है। और जो दूसरा डी वाई वाला होगा ना, ये वाला पोर्शन, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू लेना है एक्स। यानी कि हमारे पास जो पहले वाली टर्म होगी, जैसा कि मैंने ये वाला नाम दिया हुआ है जिसको, ये हमारे पास जिसके साथ डी एक्स लगा होता है उसको हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जिसके साथ डी वाई लगा होता है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास डी एक्स वाली मैंने लिख दी है, इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये सारा कांस्टेंट है जो कि इसमें वाई नहीं है, तो ये ज़ीरो, और ये फोर वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर भी आना है। तो जब फोर वाई के स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँगा तो फोर तो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा टू वाई, तो इस तरह ये टोटल क्या बन जाएगा एट वाई। यानी कि इस वाले पोर्शन का जो डेरिवेटिव का आंसर आया है वो क्या है आपके पास फोर एट वाई आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसने उसका आंसर क्या लिख दिया एट वाई। ये कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन हमने दूसरे का डेरिवेटिव लेना है अब, ठीक है। तो इसका लेंगे अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है आपने। तो जब एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एट एक्स वाई का जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स जो है इसका वन बन जाएगा और एट वाई आपका आंसर बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों पोर्शन के आंसर इक्वल आ गए हैं, इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट आ जाती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन में, उसने अनदर में भी जो है एग्जैक्ट के बारे में पूछा है, तो आइए हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले डी एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू जब वाई करेंगे तो वन का डेरिवेटिव क्या होता है ज़ीरो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो एट एक्स वाई, एट एक्स वाई है इसका जो कि विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो वाई वाला वन हो जाएगा, एट एक्स आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। देन अगर हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में क्या है, नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है ना ये वाला, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फाइव तो ऑलरेडी बाहर है, एक्स के स्क्वायर का बन जाएगा टू एक्स, तो बन जाएगा टेन एक्स, यही लिखा ना उसने। अब आंसर तो बराबर नहीं ना आया, जब आंसर बराबर नहीं है तो हमने क्या लिखना है, इज़ नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये क्या है, नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है और बताना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसा कि एक मैं चले कर देता हूँ अगर टाइम जो है ज़्यादा ना हो जाए लेक्चर का। तो यहाँ पे देखें आपके पास थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं नीचे कर लेता हूँ, तो ये देखें क्वेश्चन आपके सामने है, पहले वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना होता है, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो फोर एक्स क्यूब और वाई का क्यूब। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है ना, तो ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये साथ वैसे का वैसे रहना है, ठीक है। अगर दरमियान में प्लस माइनस होती तो ये सारा ज़ीरो हो जाना था, अब ये चूँकि इसके साथ है तो ये कांस्टेंट है, साथ वैसे रहेगा। और वाई के क्यूब का क्या बनेगा, थ्री वाई का स्क्वायर, यानी कि ये चार तीन बारह और ये आपके पास बारह बन जाएगा, और एक्स की तीन और वाई का स्क्वायर, यानी कि बारह एक्स की तीन वाई का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास उसका एक साइड का आंसर है। अब दोबारा इसको ध्यान में रखना है, बारह एक्स की तीन वाई की दो को। तो नेक्स्ट जब मैं इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 3x की 4 y की 2। अब देखें इसमें चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो इसमें 3 और y का स्क्वायर क्या है कॉमन आ रहे हैं, और x की 4 का लेंगे तो 4x की 3, तो 4 3 12 वही बन जाएगा ना 12x की 3 y की 2। तो उसका भी यही आया था, इसका भी यही आया था, लिहाजा ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे लाजमन पूछना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसको हल कैसे करते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन को आगे कैसे हल करना है पता हो जाएगा जबकि ये एग्जैक्ट है, उससे आगे कैसे हल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे, कि उसने कहा जी कि आपके पास जो एग्जांपल में नज़र आ रहा है आपको कि 2x + 6y, ठीक है, कि 2x + 6y, 2xy + 6, ठीक है, और ये चीज़ आपके पास। तो सबसे पहले आपने इसे एग्जैक्ट चेक करना है, अगर एग्जैक्ट है तो वो आपने उसको अगले स्टेप पे लेके आना है। तो ये चूँकि एग्जैक्ट है वो खुद बता रहा है कि ये एग्जैक्ट है, अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं कि हमने इसे आगे हल कैसे करना होता है। तो मेथड आपने अभी अच्छे से सुन लेना है कैसे हल करेंगे इसको। आपने सबसे पहले जब आप एग्जैक्ट के लिए चेक करते थे तो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेते थे, वो है सिर्फ एग्जैक्ट चेक करने के लिए। जब आपको पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट है, आगे सॉल्व करने के लिए आपने इसी चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करना बल्कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे सॉल्व करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, इसमें देखें 2x कांस्टेंट है। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर देता हूँ, एक एक पोर्शन को यहाँ पे लिखना आसान होगा। तो 2xy की इंटीग्रेशन जब लूँगा तो 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई बचेगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। देन आपने 6y की लेनी है इंटीग्रेशन, तो 6x है, तो चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो एक्स का स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अगेन हमने क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेशन ले लिया है। अब दूसरे वाले को जिसका हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते थे, अब हमने इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करनी है। तो इसमें भी अलग अलग स्टेप से कर देता हूँ, एक्स का स्क्वायर अकेला है तो इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो साथ वाई आ जाएगा, यही उसने यहाँ पे लास्ट पे लिखा होगा। ये देखें एक्स का स्क्वायर वाई उसने यहाँ पे लेके लिखा हुआ है। अगेन जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो वो मेरे पास है 2y की 3 है, इस स्टेप में इसकी वाई की 3 को क्या करेंगे, 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बन जाएगा वाई की 4/4। तो बटे वाला 4 जो है इससे कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, तो वाई की 4/2 ये आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स वाले को मुकम्मल तौर पे लिखना है आंसर में, ठीक है। ये जो एक्स वाला आंसर आया था आपका, इसको मुकम्मल तौर पे लिखना है, इस एफ वाई जो कांस्टेंट आ जाता है साथ, इसकी जगह पर आपने यहाँ से डाटा लेना है इसके इंटीग्रेशन का। इसकी इंटीग्रेशन कहाँ पर आई थी, ये वाली, इसमें से वो डाटा उठाना है जिसमें फ्री ऑफ एक्स हो, जिसमें एक्स ना हो, तो वो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर में क्या होगा, एक्स वाला मुकम्मल होगा, सुन लें, एक्स वाला मुकम्मल होगा, एक्स की इंटीग्रेशन वाला, और वाई वाला जो है उसका सिर्फ वो पोर्शन होगा जिसमें एक्स नहीं था, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपने ऐसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अनदर एग्जाम्पल आ जाती है, इसमें भी उसने ऐसे किया है, ठीक है। तो इसमें भी उसने इस वाली चीज़ को जो है पहले उसने विद रिस्पेक्ट टू जो है एक्स जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 8 आपके पास कांस्टेंट है तो e की पावर एक बहुत फंक्शन है, इसे एक दफ़ा वैसे लिखा जाता है, और जो चीज़ यहाँ पे बन रही होती है इसका डेरिवेटिव उसको नीचे लिखते हैं। तो 4 से 8 कैंसिल होगा 2, तो 2e की पावर 4x, ठीक है, हो गया। और जो नेक्स्ट पोर्शन है साथ 2xy का स्क्वायर, तो इसके जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और y तो वैसे आना ही है ना साथ, x का बन जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2, तो यानी कि 2y का स्क्वायर वैसे और x का स्क्वायर ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर और सॉरी एक्स 2 से 2 कैंसिल और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह आपने इसको जो है दोबारा फिर वही करना है, उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद उसमें से एक्स वाले को छोड़ के सिर्फ वाई वालों को अपने यहाँ पे आंसर में लिख लेना है, ठीक है। अनदर जो है आपके पास इनक्लोज सर्विस के लिए, इसमें भी आपने ये लिमिट को देखना होता है कि पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो लिमिट यहाँ से x1 से x2 होगी। जब आप उसे वापस लेके आ रहे होंगे दूसरे फंक्शन में, तो आपने x2 से x1 के लिए लिमिट लिखनी होती है,
सही है। तो आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू उसके हिसाब से यहाँ पे लिमिट को लिखना होता है, सही है। तो यहाँ पर हम जो है इसका कोई क्वेश्चन कर देते हैं जो आपके आपको समझ आ जाए। तो इसकी लिमिट को सिर्फ आपने समझना है, बाकी इंटीग्रेशन आपकी वही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल में आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे चलें, यहाँ पे यही कर लें चलें। तो इसमें देखें होगा कुछ यूँ कि आपके पास जब आपने एग्जांपल को सॉल्व करना है ना, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को देखना है, 0 to 5 यानी 0 to 5 सही है। फिर उसके पास दूसरी यहाँ पर आपकी लाइन ये है, और आप 5 से कहाँ तक जा रहे हैं, आप 5 से जा रहे हैं 2 तक, तो आपकी लिमिट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 से लेके 2 तक। देन आपने वापस आना है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 से दोबारा 0 पे आ रहे हैं, तो क्या होगा 2 से 0 तक। तो ये जो फंक्शन है ना आपको, ये आपको फंक्शन गिवन होंगे, दिए होंगे, आपने लिमिट इस तरह से लेनी है, ठीक है। आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल भी यहाँ पे ऐसे ही है। लाइन इंटीग्रल में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि लाइन इंटीग्रल में भी हमने इस तरह से लेना होता है कि हमने पॉइंट की डायरेक्शन को देखना होता है कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हमने उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है उस लिमिट को लेना होता है। लिमिट ले लेंगे, लिमिट का पता चल जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन होती है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, सही है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे गिवन होगी, मैं आपको चलें ये भी बता देता हूँ। देखें वाई एक्स का क्यूब है और y x 4x है, तो y x का क्यूब है वो नीचे वाली बन रही है, ठीक है, जिसमें 1 to 2 तक जा रहा है, और जो y देखो 4x है उसमें वो 2 से दोबारा 0 की तरफ आ रहा है, जो 4x है उसमें 2 से दोबारा की तरफ 0 आ रहा है, और x की 3 वाले में 1 से 2 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स का मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, तो आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमन जो है वो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। आपने राय जो है वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।